شاه مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار एक्सक्यूज मी, मैं चक्रवर्ती हूं। डॉक्टर वेद कपूर से मेरा अपॉइंटमेंट है। जस्ट ए मोमेंट प्लीज। यस डॉक्टर, मिस्टर चक्रवर्ती आ गए हैं। ओह यस, भेज दो ना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर चक्रवर्ती। माफ कीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चक्रवर्ती सिंथेटिक्स की बहुत जरूरी मीटिंग है, जल्दी बताइए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। मिस्टर चक्रवर्ती, ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है, प्लीज सिट डाउन। यस, मैं जानता हूं चक्रवर्ती सिंथेटिक्स की मीटिंग के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा चक्रवर्ती टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट मैनेजर के साथ। उसके बाद दूसरा अपॉइंटमेंट होगा चक्रवर्ती टायर्स के मार्केटिंग मैनेजर के साथ। एक जरूरी मीटिंग है फॉरेन डेलीगेशन के साथ कि चक्रवर्ती शिपिंग एंड फ्रेट का लेन देन तय हो जाए। और इन सबसे ज्यादा जरूरी अपॉइंटमेंट है शारजा के शेख के साथ, चक्रवर्ती केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के केबल सप्लाई करने के लिए। लेकिन
इस मसरूफियत के तनाव में, लेकिन जस्ट ए मोमेंट, इस मसरूफियत के तनाव में आप एक अहम कंपनी को भूल रहे हैं, और वो कंपनी है श्रीमती आशा चक्रवर्ती प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपकी अपनी पत्नी। अगर आप इस कंपनी को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए तो चक्रवर्ती सिंथेटिक्स, चक्रवर्ती टेक्सटाइल, चक्रवर्ती टायर, चक्रवर्ती शिपिंग, चक्रवर्ती केबल्स, इन सबको आप ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? उन्होंने आप पर फिर हमला किया। यस, और वो बार बार आप पर हमला करती रहेगी। एंड आई वॉर्न यू, शी माइट कमिट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मर्डर यू। आई बेग योर पार्डन, बट यू नो डॉक्टर दैट शी इज ए हिस्टेरिकल वूमन। उसके दिमाग और मिजाज का इलाज तो आप कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मिस्टर चक्रवर्ती, मैंने सुना है कि खूबसूरत चीजें इकट्ठा करने का आपको बेहद शौक है। मेरा मतलब है खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत कारपेट्स, फर्नीचर और मूर्तियों से आपका घर सजा हुआ है, और इन्हीं कलेक्शंस में आपने आशा चक्रवर्ती को भी शामिल कर लिया है घर के कोने में सजा कर रखने के लिए। लेकिन मिस्टर चक्रवर्ती, आशा एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक जिंदा इंसान है जिसकी रगों में खून दौड़ रहा है, जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, जिसका जहन बेहद परेशान उलझा हुआ है। प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत जिसके लिए वो तरस रही है, जिसके लिए वो जिंदगी भर से तड़प रही है, अब वो हर कीमत पर हासिल करना चाहती है। काउंट जस्ट अ मिनट, बेजान चीजों को इकट्ठा करने के लिए आपके पास वक्त है, उन्हें सजाने के लिए आपके पास वक्त है, अपने हाथों से पॉलिश करने के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन आशा चक्रवर्ती के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आप अपनी पत्नी से प्यार क्यों नहीं करते? उनसे हमदर्दी क्यों नहीं करते? उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? Answer me, Mr. Chakrabarty, why don't you make love to your wife? Understand what I mean? Why don't you? मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं ना मर दूं डॉक्टर। या
पी के सब झूमते हैं। हरी रोशनी देख भागी वो कारे, अचानक रुकी फिर से बन के कतारे। यहाँ के परिंदों की परवाज देखो, हसीनों के चलने का अंदाज देखो। यहाँ हुस्न इश्क की आबो हवा में होता है कोई न कोई हादसा, हादसा प्यार का हादसा। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा, 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 हादसा। हेलो, ऑटो सर्विस स्टेशन, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मैं मिसेस चक्रवर्ती बोल रही हूँ। आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, आप मेरी गाड़ी फौरन घर भिजवा दीजिए। ऑल राइट मैडम, अभी 20 मिनट के अंदर भिजवाता हूँ। थैंक यू। अटेंशन प्लीज, मिस्टर जय कुमार शर्मा, प्लीज आप एक मिनट के लिए अंदर आइए। प्लीज, मैं पिछले एक घंटे से काम कर रहा हूँ, इंजन मिसफायर हो रही है। नोजल फेल हो गया है, चेक कर लेना। फॉरन रिटर्न होने का यही तो फायदा है। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मिसेस चक्रवर्ती की गाड़ी तैयार है? यस सर। वेरी गुड, तो किसी ड्राइवर से इस पते पर उसको फौरन भिजवा दीजिए। सर, ये तो मुझे खुद करना पड़ेगा। गैराज के सब ड्राइवर दूसरी गाड़ियां लेकर बाहर गए हैं, और फिर मुझे इस गाड़ी का ट्रायल भी तो लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी गाड़ी नीचे है, चाबी, ब्रेक्स भी ठीक किए हैं। जी हाँ। एक मिनट सर, अंदर आइए, अपना चेक लेते जाइए। आइए। Thank you.
बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। नवाब अफजल बेग के पास सोने का एक बेनजीर बुत है जो मेरे वीनस के जोड़ का है। आज ही दिल्ली जाकर मैं उसका सौदा कर लेता हूं। आप और कर भी कह सकते हैं। मेरी वीनस को तो साथी मिल गया। तुम्हें दिल्ली से कुछ मंगवाना है? जी शुक्रिया। जिसकी मुझे तलाश थी शायद अब वो मुझे मिल जाएगा। सर्विस स्टेशन, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मैं मिसेस चक्रवर्ती बोल रही हूँ। यस मिसेस चक्रवर्ती, मेरी गाड़ी के ब्रेक्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अपने फोरमैन को भेज सकते हैं? जी हाँ, अभी भेज देता हूँ। जरा जल्दी, ब्रेक्स के बगैर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, अभी पहुँच जाएगा। वेलकम। लो, मिसेस चक्रवर्ती ने तुम्हें बुलाया है। क्यों सर? उनकी गाड़ी के ब्रेक फिर फेल हो गए। वो गाड़ी चलाती ही कुछ इस तरह सर। उनकी गाड़ी का कोई भी पुर्जा किसी वक्त भी बिगड़ सकता है। फिर तो और भी अच्छा है ना। उनकी गाड़ी बिगड़ती रहेगी और हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। क्यों, am I right कि नहीं? Absolutely sir, absolutely right. Very good, very good. Come in. See
अंदर आ जाइए साथ वाले कमरे में। वैसे मेरा चाहता तोता है बिट्टू। बिट्टू। हेलो। बिट्टू। बैठिए। की गाड़ी मैं मैकेनिक। चाबी खराब, मेरा मतलब है आपके गाड़ी की रिपेयर। घबरा रहे? हाँ, नहीं। इस घर की तकदीर ही कुछ ऐसी है जी। बैठो। तुम्हारे और मेरे हाथ की लकीरें मेल खाती है शायद जी। अब तुम ही बताओ, तुम किस्मत हो मेरी या खतरा जी? मैं समझा नहीं। अभी समझ जाओगे। विस्की सोडे के साथ पीते हो या पानी के साथ? दिन में मैं कभी नहीं पीता। घड़ी देखकर पीते हो? अच्छा नहीं करते। आदमी को वक्त का पाबंद नहीं होना चाहिए, वक्त को आदमी का पाबंद होना चाहिए जी। वक्त की पाबंद तो दुनिया की हर चीज है, मैं तो एक मामूली इंसान ठहरा। कौन कहता है कि तुम एक मामूली इंसान हो? तुम एक बेहद कीमती जान हो जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे जरा चाबी दे दीजिए। वो क्या है कि गैराज में काम ज्यादा है, मैनेजर की आवाज मेरे कानों में। इसे पियोगे तो खून में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। पियो। पियो। Thank you.
इस तोते के पर क्यों कटे हुए हैं? मिट्ठू मुझे अकेला छोड़कर उड़ने की कोशिश कर रहा था। इसे सबक सिखाने के लिए मैंने इसके पर कतर डाले। और अगर मिट्ठू ने चलकर जाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे काट डालूंगी। मैं बहुत बुरी हूं ना? नहीं, शायद आप इसे हद से ज्यादा चाहती हैं। देखा, तुम मुझे कितना समझते हो। गुड्डू। गुड्डू, तुम्हारा नाम जो मैंने रखा था जी, याद है तुम्हें? नहीं। क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन तुम मुझसे जरूर मिलोगे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आज और अभी खैर छोड़ो, सिगरेट पियोगे? लो। मैं जानता तुम उसे बहुत प्यार करती हो। पहले से फोन कर रही हो? फिर कहां से आकर बताओगी? अच्छा, मेरी बेटी का फोन था, बहुत प्यार करती है मुझसे। आप भी उसे प्यार करते हैं? अपने बेटे से कौन प्यार नहीं करता? क्यों, तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते थे? नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत। hmm.
पिछली बार कब मिली थी उनसे? पता नहीं, पंद्रह कुछ 10 साल पहले। मैं बहुत छोटी सी थी, मेरी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की होगी। माँ की सूरत तो देखी न थी, बस बाबा के सहारे जिंदा थी। बाबा जब भी आते तो शराब में मस्त होते। मैं बाबा की तरफ लपकती लेकिन वो औरत साथ में होती और दोनों शराब में मस्त होते। वो औरत मुझे ऐसी नजरों से देखती कि मेरे बढ़ते हुए कदम डर कर सहम कर रुक जाते। उसने बाबा पर से मेरा अधिकार तक छीन लिया। बाबा तो मेरी तरफ देखते भी न थे। औरत मेरी बेबी सी भरास दी और बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती। गुड्डू आया। वो मुझे तन्हा अकेला देखकर मेरे पास बैठ गया। मैं अपना सारा प्यार, सारी तमन्ना, सारे अरमान उस पर निछावर करने लगी। गुड्डू के साथ मैंने अपनी दुनिया बसा ली। गुड्डू के साथ मुझे खुश देखकर वो शराबी राक्षस औरत चल उठी। क्या देख रही है मेरी तरफ? बाबा को तो मुझसे छीन चुकी थी। बैठा है इस मनहूस के पास और फिर उस चुड़ैल ने मेरे गुड्डू का हाथ पकड़कर मुझसे जबरदस्ती छीनकर उसे बाहर फेंक दिया। चल निकल जाए यहाँ से और खबरदार जो कभी इधर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। फिर न जाने मुझे क्या हो गया, मैं उस पर झपटी और उसे सीढ़ियों से ढकेल दिया। मुझे इतना कुछ याद है कि जब मैं 17 बरस की थी, बाबा ने अपनी खुशी और शराब के नशे के लिए मुझे एक दौलतमंद आदमी के हाथ बेच दिया। जिसने मुझे सिर्फ एक वीनस, एक बेजान मूरत, एक मुझे समझकर अपने घर की नुमाइश के लिए 4 दीवारी में कैद कर लिया। लेकिन अब लगता है जैसे मुझे कोई मिल गया है। उसे देखकर लगता है जैसे जैसे मेरा गुड्डू मुझे मिल गया है और इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहती। डॉक्टर, मुझे जाना चाहिए, वो अकेला है, उसका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर, मैं जा रही हूं।
ठहरो ठहरो आशा, आशा आशा सुनो तो आशा। कर रहा हूं। अरे मेरी गाड़ी की तो मरम्मत की नहीं, इस गाड़ी पर काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे साथ? लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। चलो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मेरी गाड़ी बाहर है, चलो। क्या हो गया आपकी गाड़ी को? देखो ये गियर लीवर फंस गया है, चलता ही नहीं। बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर आके देखो। देखा मैं कितनी चालाक हूँ, ये तो सिर्फ बहाना था तुम्हें ले जाने का। दरअसल मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपको? लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ, पागल हूँ। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? नहीं तो? नहीं ना। डॉक्टर भी यही कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है जो मेरा मन चाहे करूं, जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है उसे हासिल करूं, और गुड्डू से बढ़कर मुझे कौन खुशी दे सकता है। लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? देखा तुमने, जीने के लिए अगर जान भी लेना पड़े तो जायज है। और अब तो मैं भी जीना चाहती हूं। राम राम जय बाबू। अरे कौनो गड़बड़ हो गई का? हा मतबल मंजिल ढूंढ रहे हो? नहीं कह के मैं कोनो परेशानी जरूर है। लूजिंग रोड सेंस है, माथा देख का रही हो? इतना बड़ा कलाकार पैदल सड़क पर और हम गाड़ी में, शर्म की बात है। ओह आई एम सॉरी, खोलो दरवाजा। प्लीज कम इन। यस यस प्लीज, आओ जय बाबू, आओ आओ आओ। थिंक नॉट, हैव सीट, कम ऑन हैव इट। हम तो को मंजिल तक पहुंचाए गए हैं। सिटी जी, सिटी जी।
अरे ओ जय बाबू, कौन सी दुनिया में खोए गए? तुम यहाँ हो हमारे ऑफिस में? वैसे आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है। सब नकद नारायण की लीला है, पैसे का मुरिकल बाबू। क्या पैसा पहुंच जाए खंडरलैंड को वंडरलैंड बनाई दे। गॉड टुडे मनी, जिसके पास पैसा है वो राजा है आज का। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी तेज अपनी दौलत के घोड़े मेरे सामने क्यों दौड़ा रहे हैं? अगर तुहार कला और हमार दिमाग एक हो जाए तो चमत्कार हो जाए। तो देखो ये रही दो बिल्डिंग, एक ही बुनियाद में तो पत्थर दफन है, लेकिन इसकी बुनियाद में हमारा आत्मा दफन है बाबू। तड़पत है, फड़फड़ात है, उड़ के बिल्डिंग की टॉप में जाना चाहत है जहाँ की म्यूजियम है, जहाँ की हिफाजत पुलिस संतरी तोप तमंचा गोला बारूद लिए करते हैं, हर माले पे कुंडली मार बैठे हैं, आटो माटो बेल लगाए हैं, फोटो खींचते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है उस म्यूजियम में? हीरा। अरे हमारी ससुरी टांग हमका धोखा न दिए होती ना तो ये काम तो हम खुद ही पूरा कर लिए होते। पर तू फिक्र ना कर भैया, अब तू आई गया है हमारा पार्टनर। क्यों माता? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। तो फिर चमाचम चांदनी रात में एक तार यहां से हुआ हम तान दें, ओकरे बाद जौन कला हजारन के सामने दिखावत हो, एक बार अकेले में दिखाई दो तो लक्ष्मी नाचे तो रेशम, समझे? अच्छी तरह का यही कि तुम सेठ नहीं एक घटिया चोर हो। चोर? हम? बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे अपने गुनाहों के दलदल में किसी कीमत पे भी नहीं घसीट सकते। अरे तुम हमका गलत समझ रहे बाबू। गलत तो तुम मुझे समझ बैठे हो, इसीलिए अपनी इस नापाक साजिश में मुझे भी शरीक करना चाहते हो। मैंने अनजाने में एक बार गुनाह किया है और उस गुनाह का भारी पत्थर मेरी आत्मा को हमेशा कुचलता रहेगा, पीसता रहेगा। मैं दोबारा किसी किस्म का कोई पाप करने के लिए तैयार नहीं हूं। गुड बाय। सोच लो बाबू, जल्दी में फैसला शैतान करत है। शैतान मैं नहीं, तुम हो, और तुम जैसे शैतान के आगे दौलत का कोई लालची सर झुकाएगा। जय कुमार शर्मा नहीं। He has gone, sir. चूक होई गई माता, लोहा गरम ना ही रहा, ससुरा पीट दिया। I beg your pardon, sir. वो Aaron, not hot. Beating.
हेलो मैडम, क्या मैं आपको रीअपीयर कर सकता हूँ? व्हाट आई मीन कि मैं आपकी गाड़ी को रिपेयर कर सकता हूँ? कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, जरा चेक कर लेना। आप साफ बात चल रही थी, ये बीच में कचरा कहाँ से आ गया? जब देखो ये मास्टर अपना लाइन चूक कर देता है। क्या ये गुलाम मलका आलिया के किसी काम आ सकता है? मलका आलिया अपना गुलाम चुन चुकी है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, के लंगूर की औलाद नहीं पागल खतरे है जान, आपका खिदमत गुजार कभी नहीं हो सकता। परवरदिगार ने सिर्फ मुझ पे रहमत बख्शी है कि आपकी शाही सवारी की नोकपलक सवारूं, और ये काम मैं भी किए देता हूं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये जरूर एंथोनी की शरारत है, माफ कीजिएगा, वो एक नंबर का नाड़ी है। लेकिन मुझे नीचे तो उतारो। आप घबराइए नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना इधर। आप घबराइए नहीं, फिक्र मत कीजिए, अजीब चक्रम आदमी हो तो मैं ऊपर लटकी हूँ, तुम नीचे तमाशा देख रहे हो। नहीं, नहीं, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ, आप ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो आपको देख रहा हूँ। दिस इज टू मच, मैं कहती हूँ मुझे नीचे उतारो। अभी एक मिनट में। नमूने भरती है। आप गर्म मत होइए। जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक करो। पानी पी लीजिए। मंगाऊं? चल आप। कौन है भाई? अबे तूने मेरे साहब को चेक पे चढ़ा दिया बदतमीज। फिरकी अपना फिर गया। मैं तेरी फिरकी फिरा दूंगा। सॉरी। ला दे 16-17। हेलो 16-17। अब कोई नहीं है खतरा, मजबूत है पतरा। सॉरी। 12x13। 12x13। काम बन गया मेरा। Check the oil. You are very boil. वाह एंथनी, क्या चेहरे की चमक है, क्या आंखों की रोशनी, जैसे मर्सिडीज की हेडलाइट। यार आज पहली बार किसी को देखते ही अपने दिल का कार्बोरेटर साफ हो गया, और आंखें मिलते ही दिल से दिल की तार जुड़ गई, और अपनी लाइफ की बैटरी का कनेक्शन लगने ही वाला था, लूगे पट्टे तूने सब कुछ बिगाड़ दिया। लादे 7-8। अबे मैं तो खो गया, क्या तू भी खो गया? क्या जेल जाने का इरादा है? आप साथ चलेंगी? मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं ओफो, ये गराज है या पागलखाना? मैं इस घपड़जन से पाला पड़ गया। घपड़जन? क्या हम है तुमको पसंद? अरे सुनिए मैम साहब, मास्टर फोर मैम। यस। आपका क्या हुआ? यार कुछ समझ में नहीं आता, ये सफरचंद क्या होता है? ये सफरचंद का भाई होता है। अरे तू तो लक्की है, इधर देख मेरे को थपड़चंद मिले लाए, लाइन ही लाइन है। अरे पन बीड़ू, अरे तेरी लाइन तो एकदम क्लियर है। अरे फॉलो दी गर्ल, फॉलो दी गर्ल। सच है तेरी लाइन क्लियर है? लाइन क्लियर है। चला जाओ, चले जाओ। पकड़, मोटर पकड़, टांगा पकड़, रिक्शा पकड़, कुछ भी पकड़, छोड़ना मत।
माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे दिमाग ने छुट्टी ले ली थी आपको देखकर। आप बेहद खूबसूरत हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप आदमी के होश उड़ा दें, इसमें आपका क्या कसूर है? सुनिए, जिंदगी चार दिन की है, इन चार दिनों में किसी का दिल दुखाने से क्या हासिल? और फिर गलती इंसान से हो ही जाती है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, शेक्सपियर ने मुझसे कहा था। अरे कुछ तो बोलिए, इतनी गंभीर बातें मैंने जिंदगी में नहीं की। मुझसे बात नहीं करोगी, देखोगी भी नहीं, बोलोगी भी नहीं, बेकार है ये जिंदगी। ऐसे जीने से क्या फायदा, खत्म कर दूंगा अपनी जान को, बर्बाद कर दूंगा ये जिंदगी। अच्छी बात है, वो देख रही हो वो ट्रक, वो सामने वाला MM P408, उससे टकरा जाता हूं, आश पाश हो जाता हूं, टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं अपने जिस्म, जान और दिल के। और मरने के बाद भी जिस्म का एक एक टुकड़ा फरियाद करेगा, पुकारेगा कि मैं बेकसूर हूं, बेकसूर हूं, बेकसूर हूं। ये गया, मजनू कभी नहीं देखा जो स्टीयरिंग व्हील पे पैर रखकर चला रिया हो। ऐसे लोंडों को तो सर्कस में होना चाहिए, मेरे इतने बड़े लोरी के सामने चला रहा है, चला रहा है। मेरी जान, मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया। अबे साले, तेरे को फिक्र नहीं, तेरे को मेरे बाल बच्चे की फिक्र नहीं, अबे तेरी तो इसकी फिक्र है साले। Any problem? Care for a lift? Hi, Robbie. Hi. नाम हसीन हो तो हुस्न और भी बढ़ जाता है। वैसे इस खबरचंद को जयकुमार शर्मा कहते हैं। मेरा नंबर है 571124। फोन पे बताइएगा नाम कैसा लगा। मैं इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तेरा फोन आए। जवान रहता है, कहीं पे तेल तो कहीं पेट्रोल बहता है। इन्हीं के बीच बैठा हुआ पुकारूंगा, तू अगर फोन करे जिंदगी सवारूंगा। नंबर तो शायद आपको याद होगा, 571124। आपका मुस्कुराहट बताने लगा है कि आपको मास्टर का मोहब्बत कबूल है। अब उनका पास भी मास्टर का दियला फूल है।
अच्छा? अरे एकदम सच्चा। अरे दिन रात आता है आप उसका ख्वाब में, अब देखना ये है कि क्या आता है जवाब में। अच्छा तो आपको जवाब चाहिए? यस। दे दूं? दे दीजिए। दे दूं? दे दीजिए। दे दूं? दे दीजिए। ये तो मेरे लिए था, मास्टर के वास्ते क्या है? एक एक दिए। ये थम्स अप? थम्स अप नहीं, ठेंगा। ठेंगा मास्टर, ये सौदा पड़ेगा महंगा, भूल जा। मास्टर! एंथनी, क्या हुआ मेरी जान? मेरी जान क्या क्या नहीं हुआ ये पूछ। लेकिन जवाब क्या मिला? अरे सुनेगा तो ला जवाब हो जाएगा। ऐसा जवाब के लैला ने मजनू को नहीं दिया। अच्छा? सीरी ने बरात को नहीं दिया। अच्छा? रोमियो ने जूलियट को नहीं दिया। अरे फिर तो बहुत ही स्पेशल जवाब होगा, बता तो सही। ये क्या लाया? ये मॉडर्न ठेंगा है। सोला हमेशा कम भी है। हेलो सेंट्रल लाइब्रेरी, कौन? हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तेरा फोन आए। हेलो। हेलो ऑटो सर्विस स्टेशन। मैं जयपुर रहा हूँ। हेलो रॉबी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने फोन किया? एक ही तो आवाज है जो हर वक्त याद आती रहती है। अच्छा? ये अच्छा कहने का अंदाज इतना अच्छा है कि सुनकर दिल की हालत अच्छी हो गई। सुनाइए कैसी हैं आप? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। ये तो बताओ क्या कर रहे थे तुम? आपसे दूर रहकर एक ही काम हो सकता है, आपसे मिलने का इंतजार। लेकिन ये इंतजार है ना, ये इंतजार बहुत सता रहा है। अच्छा, क्या आपसे अभी मुलाकात हो सकेगी? ना बाबा ना, अभी मुझे कॉलेज जाना है। लेकिन अभी कॉलेज से लौटने तक हम जी भी नहीं सकेंगे। फौरन मेहरबानी हो जाए, चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो, एक मिनट के लिए क्यों ना हो। प्लीज रॉबी, प्लीज। तो ठीक है, 15 मिनट के बाद पाशा रेस्टोरेंट में। याहू विक्ट्री। कितने खूबसूरत है ये फूल। तुमसे खूबसूरत तो नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है मुझमें? अरे तू क्या जाने तुझमें क्या है, तेरी मोहब्बत मेरा खुदा है। हुस्न कयामत, चाल कयामत, गाल पे बिखरे बाल कयामत। कौन करे अब उससे मोहब्बत, खुदा परेशान तुझको बना के, उसने खुदाई तुझ में बसा के। हिरन बनेगी तुझसी हसीना, सारा हुस्न तो तुझ में भरा। खुशबू हवा में आई,
नशे में बादल, नशे में मैं भी हो गया पागल, झूम नशे में चांद और तारे, मेरी तरह तेरे प्यार के मारे, सूरज के दिल में आग है तेरी, इश्क में तेरे सर्विस स्टेशन, जरा जय से बात करवा दीजिए। आज भी नहीं आया, कहां है वो?
रॉबी 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 आई लव यू आई लव यू आई लव अंधे हो क्या? देखते नहीं हो? ये क्या कर दिया तुमने? इस बेचारे पर बेवजह बरस रही हो। तुम चुप रहो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। पहले 10 नौकर तो दफा हो चुके हैं, अगर ये भी कहो मेरी वजह से, कहो। मैं सब जानती हूं, तुम ही इन्हें सिखाते हो मुझे तंग करे। बदला लेना चाहते हो क्योंकि तुम जेलस हो, जेलस। जेलस किससे? उस लड़के से। किस गलतफहमी का शिकार हो तुम? जिस गुड्डे से तुम दिल बहला रही हो वो किसी और का हो चुका है। भला एक जाहिल, बेवकूफ, सनकी, नीम पागल औरत से कौन निभा करेगा? चुप हो जाओ। क्यों, बुरी लगी मेरी बात? अरे वो क्या तुम्हारा तोता है जिसके पर तुमने कतर डाले हैं और जो बिना कैद के कैद काट रहा है? ये मैं हूं जो अपने शौक का मारा हूं। खूबसूरत चीजों को जमा करने का शौक है, इसीलिए अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। उसे क्या पड़ी है? वो जवान है, खूबसूरत है। तुम्हारे जैसी सैकड़ों हसीन लड़कियां उसकी जिंदगी में आ सकती हैं। मैं उन्हें खत्म कर डालूंगी। जान ले लूंगी सबने। 55 में एक बार खो चुकी हूं, अब कोई नहीं छीन सकता मुझसे। अब दोबारा कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। बिल्कुल तुम्हारा जैसा।
तुम पैसा तेल लगाता? हाँ लगाता, लेकिन सबके सामने नहीं लगाता। Come on, be a man। लड़की की तरह शर्माता क्यों है? ओके, लाइए। That's the spirit। हमारा हाथ, my God, नहीं चाहता। हाँ हाँ, ले जाइए। पहली बार है ना मैम साहब, गड़बड़ हो ही जाता है। हाँ हम अभी एक मिनट में आपका मसाज करता है। थोड़ा और नीचे। बहुत अच्छा। मर्दानगी दिखाने के चक्कर में आज बुरी फंसे जय कुमार शर्मा, कहीं वो आ गई तो कबाड़ा हो जाएगा। मोर मोर में कहीं कुछ और ना हो जाए। जय, ये क्या हो रहा है? तेल लगा रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में जादू है। जादू? Definitely। You are great। And you're lit। और हम हर काम में great हैं। तेल लगाने में, दिल लगाने में, दिल जलाने में, और इंग्लिश किश में तो हम जो था दे सकता है। You swine। कबाड़ा हो गया ना? अरे सुनो रोबे। रोबे। अरे रोबी सुनो तो। पहाड़ में जाओ। तुम भी साथ चलो। Shut up। उस विलायती बंदरिया को साथ ले जाओ, तेल लगाओ। तो यूं ही मजाक था। मजाक था या बेशर्मी? उफ़, बस इतनी सी बात पे नाराज हो गई। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हट जाओ यहाँ से। कमाल है। My sweet Yogi darling. औरत की खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4". Thirty-six, twenty-four, thirty-six. Nothing less, nothing more. लेकिन ये कैसे होगा? Why? Oh. Gee.
छाती पे हथेली रख के धीरे सांस अंदर खींचो धीरे बाहर छोड़ो। सांसों की सफाई होगी, सीने की गोलाई होगी, कद की लंबाई होगी, अंग अंग बस में होगा योगा।
हो तुम? कहाँ गुम हो गए थे? मिलते नहीं, बोलते नहीं। मैंने तुम्हारे गैरेज पे फोन किया, तुम्हारे घर गई, सारा शहर छान मारा। बात करो, देखते नहीं मैं अपने कुट्टू से बात कर रही हूँ। बोलो तुम मुझे कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, बोलो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मिलने की। कोशिश नहीं, आज आज शाम को तुम मुझे जरूर मिलोगे। हाँ जरूर मिलूंगा, शाम में गैराज में कुछ काम है। मैं आज शाम 7 बजे मैं गैराज में पहुंच जाऊंगी और तुम वहां होगे। मिलोगे? मिलूंगा। मिलोगे? हाँ मिलूंगा। जब पागल खाने ले जाओगे तो खराब होगी ही। अरे भाई जय, आप जरा मेंटल हॉस्पिटल चले जाइए। मेंटल हॉस्पिटल? हाँ, वहाँ कोई डॉक्टर कपूर है, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको बुलाया है। डॉक्टर कपूर? हाँ, मेंटल हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी सिस्टर, डॉक्टर कपूर कहाँ है? वो देखिए। थैंक यू। डॉक्टर? ये है रीटा मेहता, 21 साल की मासूम लड़की जो बचपन से जवानी तक प्यार के लिए तरसती रही। 5 साल पहले इसे यह प्यार मिला भी, 2 साल तक इसने उस प्यार की पूजा भी की, और फिर एक दिन अपने ही हाथों अपने महबूब के सीने में बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ एक बार नहीं 8 बार खंजर घोंप दिया, सिर्फ इसलिए उसे शक हो गया था कि उसका प्यार बट रहा है। आशा चक्रवर्ती भी ऐसी ही मरीज है। तुम तो उसे जानते हो? जी। उसने भी इस किस्म के कई झटके सहे हैं। उसने बचपन से तरसे हुए प्यार की हर तस्वीर तुम में देखी है। तुम उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आए हो, तुम्हारे प्यार के सहारे वो जीना सीख रही है और इस वक्त। लेकिन डॉक्टर, मैंने आशा से कभी प्यार नहीं किया। उसके और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ वे एक इत्तेफाक था, एक हादसा था। लेकिन इस हादसे को उसने अपनी जिंदगी बना लिया है, तुम्हारे सहारे वो जीना सीख रही है। अगर इस मोड़ पर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो उस पर बहुत बुरा। मैं मजबूर हूं डॉक्टर, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जो मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, मेरा सब कुछ, मेरी मोहब्बत उसकी अमानत है डॉक्टर। मैं किसी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। किसी की जिंदगी बचा तो सकते हो? अगर वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूं आपकी बेटी होती तो एक डॉक्टर की हैसियत से फिर भी मैं यही कहता, किसी पर एहसान कर दो, एक मरीज समझकर, एक बेबस बीमार समझकर उसे संभाल लो। तुम नहीं समझते, अगर वो बिखर गई या बहक गई तो कुछ भी कर सकती है। वो खुदकुशी कर सकती है या फिर किसी का खून भी कर सकती है। मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था, गाड़ी रिपेयर करने के लिए नहीं।
गुड मॉर्निंग। तुम? हाँ मैं। अंदर कर जाए। चिड़िया की तरफ फुदक कर उस खिड़की से। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही थी। सोते हुए तुम कितने अच्छे लग रहे थे। काश तुम यूं ही सोते रहते और मैं तुम्हें यूं ही देखती रहती। लेकिन इस कमबख्त गाड़ी ने सब बिगाड़ दिया। ओ फौशा, क्या हो गया तुम्हें? मेरा पीछा करना छोड़ दो। जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक समझकर भूल जाओ उसे। इत्तेफाक? नहीं जय, वो एक इत्तेफाक नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो एक दहशत थी, एक पागलपन था, एक ऐसा जुनून जिसमें मेरा जिस्म तो शामिल था, मेरी रूह नहीं। वो एक जुर्म था, एक गुनाह था। भूल जाओ उसे। वो पल, वो लम्हा जिसे मैंने जिंदगी समझ लिया, गुनाह नहीं था। ये तो वो पल था जो मेरी जिंदगी में पहली बार आया। जिस तरह जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसी तरह अब तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो। तुमने कभी जोंक देखी है? वही जो खून चूसती है। मैं भी उसी तरह तुम्हारी रगों से तुम्हारी चाहत और तुम्हारे प्यार की बूंद बूंद चूस लूंगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आशा? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? तुम एक इज्जतदार आदमी की पत्नी हो, शादी हो गई है, तुम्हारी लगन हो गया है। यही तो मैं कह रही हूं, लगन हुआ है मेरा, मेरे अपने गुड्डू के साथ। क्या भक्ति हो तुम? मेरे गुड्डू तुम हो? किसका गुड्डू? कैसा गुड्डू? कहाँ का गुड्डू? मैं तुम्हारा कोई गुड्डू नहीं हूँ। तुम बैठ गई हो, पागल हो गई हो तुम। पागल? मैं पागल? तुम पागल? हम दोनों पागल। होश में आशा, बात सुनो आशा, होश में आ तुम। बंद करो अपनी मनुष्य, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तुमने। मेरी खुशी, सुख, चैन, नींद, आराम सब कुछ छीन लिया है। मेरी जिंदगी में तुम एक घुटन बन गई हो। यहाँ वहां उठते बैठते सोते जागते तेरी मनुष्यत एक सांप की तरह, एक असेब की तरह मेरा पीछा करती रहती है। अगर मेरी मोहब्बत मुझे गलत समझ बैठी, मुझसे रूठ गई, मुझसे दूर हो गई, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत घूम मुझे इस तरह। निकल जा यहां से, निकल जा। याद रखो, तुम मेरे हो और हमारे बीच सिर्फ मौत आ सकती है। मौत। बाबू आप? हाँ काका, रॉबी घर पे है? नहीं, वो तो अपने डैडी के साथ कश्मीर गई। कश्मीर चली गई?
मत पुकारो मुझे, जाओ चले जाओ। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, छोड़ो मुझे। रोबी रुक जाओ, रोबी। अब और क्या चाहते हो डॉक्टर? तुम्हारी तमन्ना पूरी हो चुकी है, मेरी मोहब्बत मुझसे लूट कर चली गई है। और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने अपनी मरीज की छोटी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपने पेशे, अपनी इंसानियत, अपने आदर्श के लिए मेरा बलिदान कर दिया। अब तमाशा देखिए, यहां भी चले आए। अब मैं क्या करूं? बोलो डॉक्टर, जवाब दो, बोल सके नहीं। तो सुनो, जिस लड़के से तुम प्यार करते हो वो मेरी बेटी है, और कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी खुश न रहे। फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि मेरे मरीज की जिंदगी बचा लो। बेटी, मैं जानता हूं तुम किस लिए रो रही हो। जय के लिए रो रही हो ना? हाँ नानी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था मेरा? बेटी, कसूर मेरा है। जय के बारे में गलत फहमी सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी हो गई थी। वो बेकसूर है, शरीफ है, नेक है, तुम खुशी से उससे मिल सकती हो। सच डैडी? हाँ बेटी। डैडी, डैडी। चलिए जनाब आगे, चलिए आगे, चलो भाई। Oh,
सोचे समझे हुए दूर क्यों हम कदर ने फिर से मिलाया है हमको जुदाई का अब तो मिले ना कभी हम हर एक शाम के बाद होती सहर है ये जिंदगी हादसों का सफर है यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है हम और खुशी का हादसा हादसा प्यार का हादसा प्यार का हादसा प्यार का अगर फिर मुझे तुमसे अलग होना पड़ा तो मैं जी नहीं सकूंगी अगर वक्त ने फिर कभी मुझे तुम्हारी बाहों से छीन कर मौत की चट्टान तले कुचल भी दिया तो मैं मर मिट कर भी तुम्हारा ही रहूंगा मरने मिटने की बातें मत करो जय अगर तुम कभी मुझसे दूर हो गए तो मैं घुल घुल कर मर जाऊंगी मेरे लहू की हर बूंद आंसू बनकर रह जाएगी जय संभाली थी भी दिल संभलता नहीं कहूं कैसे वादा किया
सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा। मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा। वक्त वो तो हमें बहुत पीछे छोड़ गया। धड़कन क्या हो गया तुम्हें? पिछले दिनों तो बड़ी खुश थी और आज फिर यूं? मैं जिस चीज को अपना ना चाहूं कोई ना कोई मुझसे छीन लेता है। जहां संबंध छोड़ना चाहूं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, साफ साफ बताओ किसकी बात कर रही हो? उसी की। अब वो मुझसे मिलता भी नहीं, भी बात नहीं करता। लगता है कोई उसे मुझसे छीन रहा है। ये तुम्हारा वहम है, तुम गलत सोच रही हो। डॉक्टर मुझे डर है अगर इस बार मुझसे कोई छीना गया तो वो किसी की जान ले लेगी, किसी का खून कर देगी। हाँ डॉक्टर। डैडी I'm sorry to disturb you. ये क्या बात है बेटी, मैंने तुमसे कई बार कहा कि जब कोई पेशेंट मेरे साथ हो तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए। Daddy, I'm sorry. मैं जरा जल्दी में थी। I'm sorry. मैं ये कहने आई हूँ कि रात को मैं जय के साथ बाहर जा रही हूँ, जरा देर से आऊंगी। जाओ जरूर, लेकिन ज्यादा देर मत करना, खाना हम साथ खाएंगे। Okay. Okay. Bye. देखो आशा, क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो, मेरी तरफ देखो आशा। यस, नहीं नहीं उनसे कह दो कभी तो उनके घर नहीं जाते। हाँ उन लोगों से कह दो जाना अच्छा नहीं, कुछ दिन यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ हालत इतनी अच्छी कहाँ है, अभी वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई और मुमकिन है एक शॉक और देना पड़े। हाँ समझा दो रखना पड़ेगा। देखो इस वक्त बाद में बात करना, एक पेशेंट के साथ बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अच्छी बात है, समझा दो उन लोगों को। ठीक है ठीक है, मैंने कहा नहीं तुम लोग से मिलने सकता। Thank you.
सुनो जय, क्या है? चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं जय, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जाने बहार गुले गुलजार, तूफान हमदम इश्क बुलबुल, हम आपके साथ हैं और आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मजाक छोड़ो जय, और चलो यहाँ से। लेकिन ये अचानक क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डर गई। इस तरह काले परिंदों का उड़ना अच्छा शगुन नहीं, मनुष्यत है। उफ़ो, तुम लड़कियों का भी जवाब नहीं। आदमी तो आदमी, उड़ते परिंदों को भी शक की नजर से देखती हो। चलिए मेम साहब चले। अरे मौसी, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना अच्छी तरह जानती है, समझी?
तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? कोई था तो नहीं? उफ जय, ये सब क्या हो रहा है? क्यों इतने परेशान हो? मुझे कुछ बताओ तो सही। वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आता हूं। अभी बता दो ना जय। मैंने कहा है ना तुमसे, वक्त आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा। गुड नाइट जय। गुड नाइट। एंड द मटर ऑफ डायमंड इज नॉट एंड द मटर ऑफ डायमंड बट द मैटर ऑफ डायमंड। हम आता वही वही हीरे की बात हो रही है, आलू मटर की नहीं। यस सर। तो लिखी दो जल्दी, डील फाइनल हो ही जाए। यू मीन डील सर? गजब की समझदार हो माता। तोहार अक्कल दानी तो मच्छरदानी से भी बड़ी है यार। लेकिन सर, अब आपकी मच्छरदानी में मशहूर कलाकार जयकुमार शर्मा का फंसना बहुत मुश्किल है। अरे अगर अंटी में पैसा है और खपड़िया में भेजा है तो दुनिया में कोनो काम मुश्किल नहीं। वो छोकरा बहुत बड़ा कलाबाज है तो हम भी बहुत बिकट नक्शेबाज हैं। ऐसा नक्शा जमाएंगे कि जिंदगी भर के लिए कलाबाजियां भूल जाएगा ससुर। भूल तो आजकल वो खुद को भी गया है, बस सिर्फ एक ही बात याद है उसे, उस लड़की का प्यार। प्यार? अरे इस मर्ज के तो हम बहुत पुराने डॉक्टर हैं। ऐसा रच के इलाज करेंगे कि ना मर्ज रहेगा ना ससुरा मरीज। लेकिन सर, जय को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, जय पे तनिक हूँ आँच नहीं आएगी। जो हम कुछ होएगा तो जय की जय जयवंती को। बोलू तनिक फोनवा लगा और कह दे बिच्छू से अपना डंक मारी को तैयार हो जाए। अब वो कबूतर खुद ही हमरे जाल में आके फंसेगा। अपनी कबूतरी का तड़पत फड़कत देख के। अरे सर, आप फिर यहाँ? प्रोग्राम फिर चेंज? चेंज? आपने मेम साहब को डिस्कुटी पे बुलाया था ना फोन करके? क्या?
बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारा चहेता पंछी कैद कर लिया गया है। अरे वो नहीं, ये जिसे तुम अपनी रेशमी जुल्फों में गिरफ्तार करना चाहती थी, उसे लोहे की जंजीरों ने कैद कर लिया है। ये देखो तुम्हारे नाकाम आशिक की आखिरी तस्वीर। तुम हो जाओ, मार डालूंगी तुम्हें, खत्म कर डालूंगी। कपिले, कपिले, ये सब तुम्हारी चाल है, ये तुम्हारी चाल है। याद रखो, तुम मेरे हो और हमारे बीच सिर्फ मौत आ सकती है।
किस तरह भागकर अपने जुर्म का सबूत दे रहे हो? मैंने कोई जुर्म नहीं किया इंस्पेक्टर। इसका फैसला कानून करेगा। नहीं माता, मैं तुम्हारे कानून को जो एक मासूम भोली भाली लड़की की इज्जत बचाने पे मौत की सजा सुनाता हूँ और तो चाहने वालों के बीच एक चट्टान में खड़ा हो जाता हूँ। रुक जाओ जे, भागो मत, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ जे। अगर किसी ने मेरे कुट्टू पर आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें नोच दूंगी, अगर किसी ने उस पर हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगी, समझे? कौन है आप? मैं कौन हूँ? पूछ लो मेरे गुड्डू से कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। गुड्डू गुड्डू कह दो, बोल दो, चिल्ला चिल्ला कर कह दो सारे जमाने से कि तुम मेरे खोए हुए गुड्डू हो और सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर किसी ने उसकी तरफ पांव बढ़ाया तो मैं उसके पांव उसके जिस्म से अलग कर दूंगी, समझे? अब तुम जाओ, जाओ, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। देखा गुड्डू, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना, तुम गए नहीं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं आशा, इन्हें जाने दो। नहीं गुड्डू, इससे तुम पर गोली चलाई। तुमने क्या कर डाला आशा? गुड्डू गुड्डू, मैंने ठीक किया ना? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? लेकिन गुड्डू अब तुम्हारे और मेरे बीच ये क्या कर डाला है तुमने आशा? तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जिंदगी पे एहसान का इतना बड़ा बोझ डाल दिया जिसे मैं उठा भी नहीं सकता। नहीं गुड्डू, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी तुम्हारे काम आ गई है ना? हाँ? अब सिर्फ एक बार कह दो तुम मेरे गुड्डू हो, मेरे बचपन के गुड्डू। हाँ मैं तुम्हारा गुड्डू हूँ। देखो आशा, मुझे देखो, मुझे अपनी बाहों में सुला दो, मैं परसों से सोई नहीं हूं, परसों से। आशा आशा, तुम्हारे प्यार के इस जुनून ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि शायद मैं तुम्हारा ही गुड्डू हूं, लेकिन मुझे इसका कोई इल्म नहीं। सच तो यह है कि मेरा माजी, मेरा बचपन भी बहुत धुंधला नजर आता है। काश मैं तुम्हारा गुड्डू होता, तुम्हारे इस प्यार की कुर्बानी को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। दरवाजा बंद कर था तो दूसरा खोल। इन पहुंचा तुम माफ कीजिएगा, अभी अभी इधर कोई लड़का और लड़की तो नहीं आए? आए तो अब इन आप ही हो इंस्पेक्टर साहब फर्नांडिस। बाई गर्ल पासिंग यू सिंग? नो सर। नो सर, सॉरी, आओ मेरे साथ। जय हो जय बाहू। बाहर कहाँ जा रहे हो? पुलिस ने देख लिया तो जिंदगी से हाथ धो ही बैठोगे। क्या मतलब? मतबल बिल्कुल साफ है, वो हीरा लाए के हमार हथेली में धर दे।
और अपनी आजादी का नक्शा ले जाओ जॉन, हमार मुट्ठी में बंद है। रतन सेठ तुम कितने मक्कार और चालाक हो, आज तुमने मुझे कैसे मोड़ पे घेरा है कि मैं बचना चाहूँ तो भी बच नहीं सकता। मैं तुम्हारी इस घिनौनी साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौत के डर से नहीं, अपने प्यार के हाथों मजबूर हो गए। तो फिर मिलाओ धनिक जम के हाथ और देखो हमरे दिमाग का इंद्रजाल। हम तुम दोनों को अपने प्राइवेट जहाज में बिठाई के बंबई से शारजा और शारजा से दुबई ले जाएं। ऑल द बेस्ट ऑफ लक मिस्टर जय कुमार शर्मा। जय, तुम्हें ही रहना होगा अभी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और फिर थोड़ी ही देर की तो बात है, हम दोनों आजाद हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, फिलहाल तुम इसको आजाद कर दो। नहीं इब्राहिम, नहीं, मेहमानों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते।
अचानक हुई थी कहीं पे, बिना सोचे समझे हुए दूर क्यों हम। मुकद्दर ने फिर से मिलाया है हमको, जुदाई का अब तो मिले ना कभी हम। हर एक शाम के बाद होती सहर है, ये जिंदगी हादसों का सफर है।